जय भोलेनाथ फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे पूजा करना है, तो सुबह का ही टाइम है झाड़ू पोछा करके, और ये मतलब पूजा करेंगे। तो अभी पूजा के बर्तन को देखिए, मैं अच्छी तरह से चमका दी हूँ, पीताम्बरी से माजी थी। तो यहाँ पे देखिए पूजा का सब थाली सजा ली हूँ, भांग धतूरा फूल, मदार का फूल भी मिल गया था। और यहाँ पे मंदिर साफ कर ली हूँ, माता रानी को भी स्नान करा दी हूँ। और यहाँ पे मेरे पापा लाए थे बेल, बेल पत्ता और दो बेल। और यहाँ पे आज मेन होता है बैर चढ़ाना। और यहाँ पे लाल फूल है माता रानी के लिए। तो सब सामान रेडी है और करेंगे पूजा। और यहाँ पे देखिए भोले बाबा को मैं पंचामृत से नहला दे रही हूँ, शहद दूध दही गंगा जल घी इन सब से। उसके बाद पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे मैं भोले बाबा को टीका लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे आम की लकड़ी ली थी, उसी से मैंने लगाया। और उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद यहाँ पे चाय पी, उसके बाद यहाँ पे मेहंदी लगाई हूँ। और आज हमारा सालगिरह था शादी का, 21 साल हो गया देखते देखते। तो वही मैं सोचा कि चलो थोड़ा मेहंदी लगा लेते हैं, शाम को मंदिर भी चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए शाम का ही टाइम है और पीटी पापा मेरे सिंदूरा से सिंदूर लगा दे रहे हैं। और शिवरात्रि हो या कोई भी त्यौहार हो, लगाना चाहिए। और अभी से दोबारा शादी कर लिए। जय माता दी फ्रेंड्स, तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी टू। तो अभी शाम हो गया, सुबह पूजा की थी, उसके बाद तो आज व्रत है और घर का पूजा पाठ हो गया है। अभी बजने वाला है 6, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। मंदिर यहाँ पे है शुक्लेश्वर मंदिर, वहाँ पर चलेंगे। यहाँ पीटी पापा भी रेडी हो गए हैं, आज मैं मेहंदी भी लगाई हूँ। और एक बात, आज हम लोग का सालगिरह है शादी का, 21वीं सालगिरह। चलिए चलते हैं मंदिर और भोले पापा का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे शिवा नहीं जाएगा, शिवा पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका मैथ का एग्जाम है। तो चलिए चलते हैं और आप सबको भी लेके चलेंगे मंदिर। पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मंदिर का बाहर, यहाँ पे पूजा का सब सामान मिल रहा है, तो ले लेंगे यहाँ से पूजा का सामान। और ये गुवाहाटी सिटी है, मेन टाउन है, और यहाँ पे बहुत मतलब ट्रैफिक होता है देखिए। और मतलब बिल्कुल भी आप रास्ता नहीं पार हो सके, इतना ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे ब्रिज है, उस ऊपर से पार होना पड़ता है। तो दिखाएंगे आप सबको, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे पूजा का, वैसे मैं फालूल घर से ही लाई हूँ, धो धा के सब कुछ लाई हूँ। तो थोड़ा सा बेलपत्ता ये सब ले लेते हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा शोर है और लाइन तो बहुत नीचे तक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। और वो मंदिर का गेट है और ये शुक्लेश्वर देवालय है जो कि गुवाहाटी है ये। तो यहाँ का देखिए, ये ब्रिज से पार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भोले बाबा का पूजा करके आ गए हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा, मन शांत हो गया। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत स्पेशल है, शिवरात्रि है, ऊपर से हमारा साल गिरा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पूजा वूजा किए और मतलब बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। किसी दिन दिखाएंगे आप सबको बहुत अच्छा, मतलब अंदर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मतलब अभी शिवरात्रि है ना, भीड़ है, तो इसीलिए नहीं दिखा पाए। तो यहाँ पे देखिए दिया जला रही थी, तो देखिए कभी दिन में आने से और अच्छा लगता है। मंदिर के पीछे ही ब्रह्मपुत्र बहता है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो अभी तो शाम का टाइम है, तो हम लोग नहीं गए उधर। तो देखिए आप सब भी अपना विश मांग लीजिए, भोले बाबा ज़रूर पूरा करेंगे। तो यहाँ पे दिया जला और ये प्रीति रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत अच्छा से वो भी रिकॉर्ड कर देती है। तो सब लोग अंदर पूजा करके आके फिर बाहर में यहाँ पर दिया जलाते हैं। तो देखिए चारों तरफ दिया जल रहा था और मैं चारों तरफ आरती भी दिखा दूंगी भोले बाबा का। लेकिन मतलब भीड़ है, लेकिन फिर भी पूजा अच्छी तरह से हो गया है, मतलब पूजा करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ। और जो भोले बाबा है उनका बहुत बड़ा सा शिवलिंग है, बहुत बड़ा। तो
पूरा जागृत है, बोलते हैं कि वो हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता है शिवलिंग। तो आप सबको कभी दिन में आएंगे तो दर्शन कराएंगे। तो देख लीजिए चारों तरफ कितना खूबसूरत लग रहा है, और दिया जला दिए हैं, अब चलेंगे बाहर की तरफ, थोड़ा सा फोटो वोटो खींचेंगे। पापा आजा, अब थोड़ा लाइन कम हो गए। पैसा तो दिशी ना हेलो ये गुवाहाटी का व्यू देखिए, ट्रैफिक कुछ ना है। अभी हम लोग इस ब्रिज से पार होंगे यार, नीचे रोड सब है ना, गुलदस्ता मिला था ना फूल के, वाह कितना लाइन गाड़ी कट रहा। और इधर था मंदिर, शुक्लेश्वर मंदिर, देवालय, चले चलो बिटू। अभी जैसे बहुत अच्छा बना है ना फुटब्रिज, ये मोबाइल गिर जाए तो का होए ओ माँ, हिलाता ना पूरा धड़ाधड़ पीटो खाने के लिए। वाओ इतना सारा केक, बिस्किट, है पीटो का खाओगी, खाओगी भैया के लिए भी ले चलेंगे। वाओ कितना सारा टेस्टी टेस्टी भी है, ये वाला बहुत टेस्टी लगता है। देखिए पीटी के मजे, अरे ओ पीटी ये क्या है फ्रेंड्स को बता दीजिए। तो डोनट बच्चों को बहुत फेवरेट है ये तो बन है, उसके ऊपर चॉकलेट, हाथ से खाइए हाथ से खाइए। ये यम्मी टाइट क्यों है, टाइट क्यों है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। कॉफी चीनी का क्यूब डालना सर, मीठा हो कि ना। तो फ्रेंड्स अभी रात के 11:15 हो गया है, अभी सोएंगे। तो ये देखिए दूध थोड़ा पी लेते हैं, और ये पेटी पेटी भी जाग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स
आज महाशिवरात्रि का ब्लॉग बस यही तक, और मिलेंगे कल नहीं और एक ब्लॉग में। तब तक ले बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।